पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार से जेल के अंदर पहलवानी भले छूट गई हो, लेकिन उनके सिर पर मंडराते काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी के काले बादल नहीं छटे हैं। यही वजह है कि सुशील का क्वारंटाइन पीरियड पूरे होने के बाद भी उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। नियमों के हिसाब से उसे क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाना था, क्योंकि वहां उसका दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई जेल नंबर 1 की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। इसलिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बैठक के बाद यह तय किया है कि सुशील को फिलहाल मंडोली की जेल नंबर 15 में ही रहने दिया जाए, यानी सुशील का एकांतवास अभी जारी रहेगा। दूसरी ओर सुशील जेल में सामान्य कैदियों की तरह ही हैं। शुरुआती कुछ दिनों में उन्होंने सुबह शाम दो दो घंटे अपनी सेल में कसरत करनी शुरू कर दी थी। प्लास्टिक बोतल के बड़े जार में पानी भरकर डंबल बनाए थे, लेकिन अदालत से उसकी स्पेशल फूड सप्लीमेंट्स की अर्जी खारिज होने के बाद उसे गहरा धक्का लगा है। अब जेल सूत्रों का कहना है कि वो सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। स्पेशल डाइट ना मिलने की वजह से सुबह शाम कसरत करना भी उन्होंने छोड़ दिया है। अक्सर अपनी सेल में वो लेटे हुए मिलते हैं। उनके ऊपर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और एक अर्धसैनिक बल का जवान भी उनकी सेल पर तैनात रहता है। बता दें कि सुशील कुमार को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुशील पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सागर पहलवान की पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में सुशील और उनके साथियों पर जल्द ही डकैती की धारा लगाने जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार सुशील और उनके साथियों ने मारपीट के दौरान पीड़ित रविंद्र और विकास इन सभी के मोबाइल छीन लिए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों के मोबाइल फोन सुशील कुमार के पीए रोहित के कब्जे से बरामद किए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने लूटपाट की है और आरोपी 5 से ज्यादा हैं। ऐसे में इन पर जल्द ही डकैती की धारा लगाई जाएगी। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी सुशील कुमार और उनके नजदीकी साथी अजय कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम के सुरक्षा गार्डों से भी मारपीट की थी। आरोपी जब पीड़ितों को शालीमार बाग और मॉडल टाउन से अपहरण करके स्टेडियम लाए तो सुशील कुमार और अजय ने अन्य साथियों के साथ पहले सुरक्षा गार्डों से मारपीट की। आरोपियों ने 15 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को मारपीट करके स्टेडियम से भगा दिया था। इसके बाद सुशील कुमार स्टेडियम के अंदर गए और वहां ताला लगा दिया था। उन 15 गार्ड में से 2 गवाह भी बन सकते हैं इस मामले में, जो सुशील की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।